सभी को नमस्ते। आज हम क्लास 10th का की एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 2 हल कीजिए का पहला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डैश का कौन सा पद -81 है। इससे पहले हमने पहला क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था, पद से पहले संख्या आ रही थी तो वो क्या था, एन था। अब पद के बाद में जब कोई संख्या आ जाती है तो वो क्या होता है, ए एन। ए एन कितना दे रखा है अपने पास में, -81। अब हमें ये हो गया अपना पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, जिसे हम क्या कहते हैं, A1, A2, A3। अब हमें निकालना है सर्वप्रथम डी। डी का मतलब सार्वंतर। सार्वंतर ज्ञात करने का सूत्र होता है कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या है अपने पास में, 18, माइनस पहला पद क्या है, 21। अब 18 में से 21 नहीं जाते हैं तो 21 में से 18 घटाएंगे, और 21 किसके हैं, माइनस के। तो 21 में से 18 गए तो माइनस के 3, तो डी का मान क्या आया, -3। अब हम इसका एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र लिख लेते हैं। एनवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। अब ए एन कितना अपने पास में, -81 बराबर। अब हमें ध्यान में रखना कौन सा पद -81, हमें ज्ञात क्या करना है इसमें, एन ज्ञात करना है। तो -81 तो हो गया ए एन। ए का मतलब पहला पद, पहला पद है 21 प्लस एन माइनस वन, क्योंकि एन तो ज्ञात करना है, और डी का मान है -3। अब ये 21 प्लस के हैं, इसको इधर ले आएंगे तो -81 -21, क्योंकि प्लस के थे इधर आएंगे तो माइनस के। अब -3 को एन से गुणा किया तो -3 एन, और माइनस माइनस प्लस, 3 को 1 से गुणा किया तो 3। ये इसको जोड़ लो, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगता है, ठीक है। तो इसको जोड़ लेते हैं पहले, 1 और 1 2 8 2 10, माइनस के 102 बराबर माइनस के 3 एन और प्लस के 3। ये प्लस के 3 एन 3 है तो इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। -102 -3 बराबर माइनस के 3 एन। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो ये कितने हो गए, इधर कर लेते हैं, तो ये हो गए -105 बराबर, इधर बच रहा है -3 एन, तो -3 एन, माइनस से माइनस कट गया। अब 3 एन, एन के साथ में संख्या है तो वो कहाँ जाएगी, बटे में, तो 105/3 बराबर एन, 3 3 9, 3 5 15, तो एन बराबर कितना आया अपने पास में, 35। हमें ज्ञात भी यही करना था, एन बराबर 35 आया, अतः 35वां पद क्या होगा, -81 होगा, ठीक है। दूसरे का दूसरा प्रश्न, समांतर श्रेणी 84 80 76 डैश का कौन सा पद शून्य है, शून्य जीरो। तो पद के बाद में कोई संख्या है, शून्य का मतलब जीरो है, तो ये क्या हो गया हमारे पास में, ए एन। ए एन क्या है, शून्य है। अब डी निकालते हैं, डी ज्ञात करने का सूत्र, A2 - A1, ये है A1 A2 A3, तो A2 की संख्या है 80 माइनस A1 की है 84, इसको घटाया तो 84 में से 80 गए तो माइनस के 4। एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन हमारे पास में क्या है, शून्य बराबर, ए की जगह पहला पद क्या है, 84 प्लस एन माइनस वन ज्ञात करना, और डी का मान है -4। अब 84 को इधर पक्षांतरण कर दो, -84 बराबर बचे हमारे पास में एन माइनस वन और -4, तो -84 बराबर, -4 को एन से गुणा करेंगे तो -4 एन, और माइनस माइनस प्लस, और 1 को 4 से गुणा किया तो 4। अब ये 4 प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के, -84 -4 बराबर -4 एन, इधर कर लेते हैं, इधर हो गए माइनस माइनस प्लस, तो 84 में 4 जोड़ेंगे, 88 किसके, माइनस के, -88 बराबर -4 एन, माइनस से माइनस कैंसिल, अब इनटू में है तो बटे में जाएगी, 88/4 बराबर एन, 4 2 8, 4 2 8, तो एन बराबर कितना आ गया,
22, अर्थात एनवा पद यानी एन बराबर 22, 22वां पद हमारे क्या होगा, शून्य होगा। दूसरे का तीसरा प्रश्न है, क्या संख्याओं के अनुक्रम 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, और 301 क्या है हमारे पास में, ए एन है, ए एन बराबर 301 है। अब ये पूछ रहा है इसमें कि इनका जो क्रम है, जो इसका कौन सा क्रम, अगर कोई भी पद ये 301 बता रखा तो कौन सी संख्या वो होगी कि जो 301 नंबर पे ये इसका पद आ रहा, जैसे पांच पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद है, तो पद की बात कर रहा। तो इसमें पहले निकाल लेते हैं डी, ए टू माइनस ए वन, ए टू का ए वन क्या है, ए वन, ए टू, ए थ्री और ए फोर। ए टू है अपने पास में 11 माइनस 5, ए वन है 5, तो इधर घटाया 6, तो अपना डी आया हमारे पास में 6। एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र, एनवा पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन दे रखा है 301 बराबर, ए का मान है हमारे पास में 5 प्लस एन माइनस 1 एन ज्ञात करना है, और डी का मान है 6। 301 ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, माइनस के 5 बराबर एन माइनस 1 6, इसमें से घटाया तो 296 बराबर एन माइनस 1 6। अब ये संख्या या तो आप इसको बटे में ले जाओ या फिर इन दोनों से गुणा भी कर सकते हैं, तो गुणा करके देख लेते हैं क्योंकि पहले दो सवाल में भी हमने गुणा किया था। 296 बराबर 6 को n से गुणा करेंगे और 6 को 1 से भी गुणा करेंगे, 6n माइनस 6, ये माइनस के हैं इधर आएंगे तो प्लस के, 296 प्लस 6 बराबर 6n, तो ये हो जाएंगे हमारे पास में 302 बराबर 6n, इनटू में तो बटे में आ जाएगी, 302 बटा 6 बराबर n। दो की टेबल से काटते हैं, 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10 और 2 1 2, तो n बराबर आया 151 बटा 3। अब इसमें अगर 3 का भाग अगर पूरा पूरा जाता है तो ये 301 वह कौन सा पद है वो प्राप्त आ जाता है, और अगर पॉइंट में जो आंसर पॉइंट में आंसर आ रहा है ये, इसको काटो आप, 3 5 15, तो ये जब बटे में आ रही है कोई भी भिन्नात्मक संख्या आ रही है तो अर्थात ये जो ए एन 301 दे रहे का ये इसका पद नहीं होगा। यहां पे लिख दें भिन्नात्मक संख्या होने पर 301 कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है, ये ध्यान में रखें आप।